टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तीनों तस्वीरें एनकाउंटर की हैं, जिसमें एक तस्वीर महाराष्ट्र की और दो उत्तर प्रदेश की हैं। लेकिन क्या अब बिहार भी यूपी और महाराष्ट्र की राह पर चलेगा? क्या यहाँ भी अपराधियों का फैसला ऑन द स्पॉट होगा? जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है, तो अपराधियों के दिल में खौफ पैदा करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाती है। यूपी में थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इससे पहले महाराष्ट्र में हुआ करता था, तो एनकाउंटर कहीं न कहीं जरूरी भी हो जाता है। बिहार में बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज बबलू का यह बयान अपराधियों में खौफ पैदा करने वाला है, क्योंकि जो अपराध हमेशा से बिहार की सबसे बड़ी समस्या रहा, उसका हल नीरज बबलू ने बिहार की नीतीश सरकार के सामने यूं रखा। लेकिन जेडीयू को नीरज बबलू का बयान रास नहीं आया। ये संविधान में नहीं है, ये संवैधानिक मुताबिक बिहार चलता है, हमारे नेता ने चलाते हैं। यूपी बात यहाँ जो गड़बड़ करता हो, गलत करता हो, कार्रवाई होनी चाहिए, वो कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। बता दें कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू की मिलीजुली सरकार है, लेकिन एनकाउंटर को लेकर दोनों की राय एकदम अलग। क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जिसे लगता है कि अगर अपराध को खत्म करना है तो अपराधियों में खौफ पैदा करना होगा और इसके लिए एनकाउंटर की नीति को अपनाना होगा, तो दूसरी ओर जेडीयू है जिसका कहना है कि कानून अपने तरीके से काम करेगा। बिहार में अपराधी अगर मनोबल बढ़ाते हैं तो उनका इलाज भी निश्चित रूप से, जब तक यूपी की तरह, जोगी जी की तरह इनकाउंटर नीति बिहार में नहीं चलाया जाएगा, जब तक इस नीति पर बिहार का प्रशासन और पुलिस नहीं चलेगी, तब तक अपराधियों का मनोबल बढ़ा ही रहेगा। बिहार में तो कानूनी इनकाउंटर होता है, संवैधानिक तरीके से इनकाउंटर होता है। जब आजीवन कारावास की जब सजा होती है तो प्रत्येक दिन कराहता है। ये इनकाउंटर मॉडल क्या खाक करेंगे, यहाँ तेजस्वी यादव जी का रोजगार मॉडल चलेगा। न काम करना है, न अपराधियों को सिर्फ सत्ता का संरक्षण देना है, तो ये इनकाउंटर के राग अलाप रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या बिना एक्शन के बिहार में अपराध खत्म होगा? क्योंकि बिहार में अपराधियों के हौसले कितने बढ़े हुए हैं, कोई दिन ऐसा नहीं बीत रहा जब कोई बड़ा कांड नहीं हो रहा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.